Hi, friends. थैंक यू सो मच टू ऑल. आप सभी ने इतने प्यार से मुझे बर्थडे विश किया और बहुत सारी पोस्ट आई हैं. FB पेज पे भी आई है, FB पे भी आई है, इंस्टा पे भी आई है. तो जितने भी मेरे फैंस हैं, फ्रेंड हैं, फैमिली वाले हैं, उन सभी को थैंक यू सो मच कि इतना प्यार और इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट उन्होंने की. कईयों ने तो बहुत प्यारी पोस्ट बना के की है, वीडियोज़ अपलोड किए हैं. तो सभी को थैंक यू सो मच. इवन जितने भी मीडिया वाले हैं और जितने भी आर्टिस्ट हैं हमारी इंडस्ट्री के, उन्होंने भी, और जितने भी मेरे प्यारे फैंस हैं, आप लोग सभी लोग, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे बर्थडे विश किया, तो उसके लिए थैंक यू. और मैं अभी जयपुर में हूँ, घर पे हूँ, और फैमिली के साथ मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया. घर पे बर्थडे विश किया है मैंने. नवीन जी थैंक यू, सनी जी थैंक यू सो मच, ओह गॉड, मनोज कुमार जी थैंक यू सो मच, दीपक जी थैंक यू सो मच, राणा जी थैंक यू सो मच, बहुत सारे विशेज हैं. उदय जी हाई. रंजीत जी, तो इसीलिए मैं कि बहुत सारे SMS आए हैं, बहुत सारे मैसेज हैं FB पे भी, और मैसेज पे भी, इवन इंस्टा के मैसेज पे भी. तो सबको आंसर मैं कर नहीं पा रही थी क्योंकि बहुत सारे मैसेज थे. इसीलिए मैं लाइव इसलिए आई हूँ कि ताकि आप सभी को मैं थैंक यू बोल पाऊँ कि आपने इतने प्यारे मैसेजेस किए हैं. और मैंने सबके SMS देखे भी हैं, फेसबुक के ऊपर भी मैंने पोस्ट, जितने भी पोस्ट आए सब मैंने देखे और मुझे बहुत बहुत अच्छे लगे सारे पोस्ट. आप लोग सभी बहुत अच्छे हो और सभी है ना बहुत बहुत स्पेशल हो मेरे लिए everyone, क्योंकि बिकॉज आप हैं तो हम लोग हैं. और आप लोगों का इतना प्यार है और बड़े मेरे और भी स्पेशल हो गए जब आप लोग इतने मैसेजेस आए और इतनी प्यारी प्यारी पोस्ट आई आप लोगों की. संजय तिवारी जी थैंक यू सो मच, रंजीत जी थैंक यू सो मच, प्रकाश जी हाई. अच्छा, प्रकाश सिंह जी, आपकी पोस्ट बहुत प्यारी थी, वीडियो भी बहुत प्यारा था, देखा मैंने. अक्षय जी थैंक यू, पंकज जी हाय, नवीन हाय, नवीन जी थैंक यू सो मच. नवीन जी कैसे हैं आप सभी? राकेश जी थैंक यू. तो देखिए, एक चीज़ यही है कि अभी जिस टाइम में हम लोग हैं, अभी कोरोना वायरस है और बहुत ज़्यादा डेंजर है क्योंकि अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आई है. तो बी सेफ, और अब प्लीज़ आप लोग सभी अपने घर पे रहिए, घर से बाहर मत निकलिए क्योंकि ये टाइम बहुत टफ है. और मोदी जी चाहते हैं, हमारे PM चाहते हैं कि अगर हम लोग घर में रहें और इससे कड़ी कोरोना वायरस की कड़ी टूट सकती है, तो प्लीज़ हम लोगों को उनकी बात माननी चाहिए और हम सभी को ये कड़ी तोड़नी चाहिए क्योंकि जितनी जल्दी ये वायरस ख़त्म होगा उतनी जल्दी लॉकडाउन ख़त्म होगा और हम अपने अपने घरों के बाहर आ सकते हैं उसके बाद में. तो इसलिए प्लीज़ इस चीज़ को फॉलोअप कीजिए क्योंकि आपकी सभी की लाइफ मेरे लिए बहुत कीमती है, अनमोल है. तो बस मैं ये चाहूँगी UP, बिहार, पूरा देश, पूरा भारत इस चीज़ को फॉलोअप करें. लॉकडाउन अगर 21 डेज के लिए है, ये पता है कि बहुत टफ समय है ये सभी के लिए, मगर फिर भी ये चीज़ अगर हम लोग फॉलोअप करेंगे तो कोरोना वायरस को हम लोग भगा सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं और वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ में आप सभी लोग, हम लोग सब लोग आ सकते हैं क्योंकि इंसान की जान बहुत कीमती होती है. और एक चीज़ और भी हम बोलते हैं ना, जान है तो जहान है. तो प्लीज़ बी सेफ, घर पे रहिए, घर के बाहर मत आइए. श्याम जी थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ, यस. और इसीलिए तो देखिए, क्योंकि अभी हम लोग भी सब लोग
ऑलमोस्ट घर पे हैं, कोई भी बाहर जाता नहीं है, आता नहीं है, क्योंकि अगर इस चीज़ को, क्योंकि सब एक भारत के जितने भी नागरिक है सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, और वो लोग अपने वो खुद सेल्फ ये चीज़ें करें कि हमको जाना ही नहीं है बाहर। जब तक आप लोग घर पे हैं, आप लोग सेफ हैं, और अगर आप लोग ही अगर इस चीज़ को आप लोग सब लोग सीरियसली फॉलोअप करेंगे तो 21 दिन में ख़त्म भी ये वायरस ख़त्म हो जाएगा और हम इस वायरस से जीत जाएंगे। तो प्लीज़ मेरी आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, और आप सभी से यही मेरा गिफ्ट है, प्लीज़ आप लोग आपके घरों से बाहर मत जाइए, सेफ वो खुद को भी सेफ रखिए, अपने आसपास वालों को भी समझाइए, कोई भी घर के बाहर आता है, और सबका ध्यान खुद का ध्यान खुद ही को ही रखना है इस टाइम पे। तो प्लीज़ माने मोदी जी की बात, प्रधानमंत्री जी की बात, आप लोग सभी लोग अच्छे से मानिए। लोकल पब्लिक को हम लोग इसलिए जाके बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि बिकॉज जो सबके साथ में वही हमारे साथ में भी हैं, हम लोग भी घरों में ही हैं, लॉकडाउन है, अगर हम लोग भी आएंगे बाहर तो हम लोग ही रूल को तोड़ेंगे, इसीलिए तो हम लोग FB पे आए हैं, लाइव आए हैं, मीडिया की मतलब फेसबुक के ज़रिए हम लोग सब लोग को समझाना चाह रहे हैं। और बस मेन यही चीज़ है कि समझिए इस गंभीरता को, प्लीज़ गिव योर मोबाइल नंबर, जब मैं लाइव आ रही हूँ तो फिर मोबाइल नंबर क्यों चाहिए। तो आज मैंने इंजॉय भी किया घर में बहुत, और कुछ काम भी किया मैंने भी, मैं भी थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ घर का, जैसे कि मुझे पास्ता आता है बनाना, तो मैंने आज पास्ता बनाया खुद ने। एक सॉन्ग, माय गॉड मैं सिंगर नहीं हूँ भाई, फिर भी हाँ गाया जाएगा, यस यस स्वीट, मैं बहुत अच्छी हूँ प्रकाश जी, गुड्डू जी हाय, मेघराज जी हाँ एकदम घर पे ही हूँ मैं, बिल्कुल कहीं पे भी आ रही जा रही नहीं हूँ क्योंकि लॉकडाउन है, तो मैं उसको बहुत अच्छे से फॉलोअप कर रही हूँ, मैं और सब लोग हम लोग घर पे ही हैं, डोंट वरी आई एम सेफ, और बस आप लोग भी सेफ रहिए, बी सेफ। आप सभी का इतना प्यार है तो कैसे कुछ हो सकता है, इसलिए मैं चाहती हूँ आप भी सभी लोग सेफ रहें। डीजे अमित जी सेफ एट होम, सब लोग मुझे ठीक है लिख रहे हैं, मैं घर पे ही हूँ, देखो बर्थडे भी मैंने अपने घर पे मनाया, ना ही कहीं आ रही हूँ ना ही कहीं जा रही हूँ, होली पे मैं आई थी जयपुर आई हूँ, और होली से मैं कंटिन्यू घर में ही हूँ, तब से ही मैं तो तब से फॉलोअप कर रही हूँ। अच्छी हूँ मनीष जी हाय, प्रमोद जी थैंक यू, ओह थैंक यू सो मच सिमरन जी, प्रिंस जी वाओ, राहुल आओ देखिए, ये मेरा भाई हाय हेलो, कैसे हो सब गाइस, एंड थैंक्स आप सबको, आपने इतने अच्छे अच्छे विश किए दीप को, बहुत अच्छे अच्छे विश किए आप लोगों ने, और हाँ गाइस प्लीज सब घर पे रहो जब तक हमारी तरह हम भी घर पे है, कहीं नहीं जा रहे, आप लोग भी रहो क्योंकि इसमें आपकी सेफ्टी है, कोरोना वायरस से बचो, अपने हैंड वॉश करो और सेफ रहो। मैं हैंड वॉश कम से कम दिन में 10 बार करती हूँ, तो गाइस आप भी हैंड वॉश करो, बचो, बाहर का कुछ मत खाना, घर का ही जाएंगे नहीं बाहर का तो खाएंगे कैसे, इसलिए बाहर जाएंगे नहीं तो खाएंगे भी नहीं, इसलिए बाहर जाओ ही मत, जाओ मत बिल्कुल मत जाओ गाइस, अभी कुछ टाइम का बात और है, जब तक घर पे रहो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, जैसे कि मैं कर रही हूँ। हाँ दी बहुत कम आती है जयपुर, अभी यहाँ पे है दी, इतने टाइम हो गया और जा भी नहीं सकते, तो बहुत अच्छी बात है, मतलब ऐसे कि दी घर पे है इसलिए, बट मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, और इतने टाइम के बाद बर्थडे मेरा लगभग 5 साल बाद घर वालों के साथ में मन रहा है, वरना पिछली बार दुबई में थी दीदी के यहाँ पे, इस बार उससे पिछली बार शूटिंग में थी, उससे पिछली बार शो में थी, उससे पिछली बार शूटिंग में थी,
और उससे पिछले से पिछली बार जयपुर में थी और इस बार वापस जयपुर में हूँ दी। तो गाइस आप करो बात। ओके दी। ओके और सुपर दी। अच्छा मेरा बर्थडे का केक रूपा दीदी ने बनाया था और बहुत ही प्यारा था और चॉकलेट केक था। यम्मी यम्मी यम्मी। थैंक यू दीदी। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने शुभी को ढेर सारी विशेस दी। बस आप लोग सेफ रहिए, प्लीज घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि हम भी शुभी का बर्थडे मना सकते थे बाहर अगर सब सही होता तो, बट कोई नहीं, आपने इतना अच्छा केक बनाया है ना, क्या था ऐसा ना हो कि। हेलो भाई एके जी, मेरे हाथ का बहुत अच्छा खाना है और बनता भी है और मुझे बहुत अच्छे से आता है क्योंकि मुझे खाना बनाने का शौक है, इसलिए आप इस चीज़ की टेंशन मत करिए। हा हा हा। देखिए इंसान किसी भी फील्ड में हो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसे कुछ आए नहीं। अगर एक्ट्रेस है तो उसको खाना पता नहीं आता होगा नहीं आता होगा, काम आता है नहीं आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे सारा काम आता है, खाना भी आता है, डस्टिंग करना भी आता है, एवरीथिंग आता है। और इस टाइम पे कुछ लोग जो हमारे अकेली हैं, जो अकेले हैं, जैसे कि कैटरीना कैफ को भी आपने देखा होगा, वो भी बताइए घर का सारा काम हीरोइंस भी कर सकती हैं, और इस टाइम पे उसका प्रूफ भी आप लोगों के पास में आ रहा होगा। तो ऐसे हम लोगों को सब काम आता है, हम लोगों को तो नहीं बट मुझे आता है। हाय प्रकाश जी, हाय। सबके दिन, ये दिन जो कठिनाई के है ये सबके दिन खुशी से बीते और खुशी से ये सब कुछ चला जाए बस। या एक्चुअली में बहुत लंबा टाइम होता है 21 डेज, इसलिए आप लोग घर पे आराम से रहिए, गेम खेलिए, टी पीजिए, टी कम पीजिएगा, ग्रीन टी ज़्यादा पीजिएगा। और अच्छा एक चीज़ और भी है, विशेष ध्यान वाली बात है, हाय ओके अच्छा जी अच्छा क्या बोल रही थी मैं, शिट पढ़ते पढ़ते मैं खुद ही भूल गई मैं क्या बोलने वाली थी। थैंक यू सो मच कृष्णा राय जी, घर का कार्य करना कोई गुनाह नहीं होता, वही तो घर का काम करना चाहिए और बहुत अच्छी बात है अगर आपको खुद को आता है तो, ऑफ कोर्स ही है बात करना चाहिए। बट हाँ एक चीज़ और है, मेरे दीदी हैं दो, तो वो आधे से ज़्यादा काम तो वही लोग ठीक है करती है, और अगर मैं बॉम्बे में जब मैं होती हूँ तब मैं बहुत काम करती हूँ, बट जयपुर जब मैं आती हूँ तब मेरी दीदियाँ मुझे कुछ काम करने नहीं देती हैं। तो हाँ जयपुर आके बहुत कम काम करती हूँ मैं, और बॉम्बे में मैं काफ़ी काम करती हूँ। गुड गर्ल। थैंक यू सो मच राजेश जी। हाँ अच्छा अभी हाँ जो काम की बात जो थी वो मुझे याद आ गई है, वो ये है कि अभी सब बॉयज़ लोग मैन लोग घर पे हैं तो वो बोर बहुत ज़्यादा बोर हो रहे होंगे, तो उनके लिए भी ये एडवाइस है कि अपनी पत्नियों का या अपनी सिस्टर का या अपनी मॉम का हेल्प करें कुकिंग में, डस्टिंग में, जो भी चीज़ उनको आती हो इजीली आती हो उसके अंदर, ताकि थोड़ा सा काम हाफ ऑफ बढ़ जाए और आप लोगों का टाइम इजीली पास हो जाए। वजूल कुम ओके वजूल जी हाय। कृष्णा जी मैं जयपुर से हूँ, जयपुर से बिलोंग करती हूँ, राजस्थान जयपुर, यस। अमित जी थैंक यू सो मच, आप खाना बना लेती हैं क्या? हाँ जी मैं कितनी बार बोलूँ मुझे खाना बनाना आता है, और ये मेरा लाइफ चल रहा है, मेरा शादी का इंटरव्यू नहीं चल रहा है ये तो इसलिए मुझे खाना बनाना आता है आता है आता है। रंजीत कुमार जी थैंक यू सो मच। सुजीत जी थैंक यू। विवेक जी थैंक यू। तो फिर से मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इतना प्यार से विश किया और इतनी सारी पोस्ट, वाओ वाओ बहुत प्यारी
पोस्ट आई हैं उन सभी के लिए थैंक यू, और एक साथ इस लाइव में आ जाई हूँ तो मैं इसके लिए भी आई हूँ कि आपकी इतनी सारी पोस्ट देख के मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, और सबका आंसर मैं हो सकता है कुछ मिस भी मुझसे हो गए हैं, तो उन सभी को इस लाइव के ज़रिए थैंक यू सो मच फॉर लवली पोस्ट फॉर मी। मॉम कहाँ है? मॉम हॉल में है। मोहित जी थैंक यू। बंगाली मूवीज आऊंगी बट कुछ टाइम बाद। बिल्कुल प्रिंस जी बिल्कुल, सुनती भी हूँ मैं फैंस को, क्यों नहीं, तभी तो मैं आ जाई हूँ लाइव। सिक्किम से माया शर्मा, हाय, मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। रंजीत कुमार जी थैंक यू। आप लोग सब कितने अच्छे हैं, आप लोग सब बहुत प्यारे हैं। यू ऑल आर माय फेवरेट। पांच मिनट में करके काम खत्म। नहीं, पांच मिनट में मत कीजिए, आराम से कीजिए। मैं अच्छी हूँ। सुनील पंडित जी थैंक यू। आप जयपुर हमसे मुलाकात कर सकते हैं शिवी जी? अभी तो नहीं, क्योंकि अभी हो रहा है, अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो अभी मैं बिल्कुल मिल भी नहीं सकती हूँ किसी से, और ना ही मैं ये चाहूँगी कि आप भी कहीं आए जाएं, कहीं आओ जाओ मत, घर पे रहिए, बी सेफ जब तक सब कुछ ठीक नहीं होता है। मदद क्यों नहीं करते आप लोग मदद, देखिए एक तो होती है मदद की बता के की जाए, एक होता है कि हम लोगों से जो भी कुछ हो पाता है हम लोग अपने आप अकाउंट से ट्रांसफ़र करते हैं गवर्नमेंट के अकाउंट में, क्योंकि अभी हालात ये है कि हम लोग को खुद को बाहर निकलने देरी नहीं है पुलिस, अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं बाहर, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ करने की, और इस बार भी मैंने भी हेल्प किया है, मेरी ओर से बहुत हेल्प किया है, बट मैं इसको शो ऑफ करना बिल्कुल चाहती नहीं हूँ कि मैंने कितनी हेल्प की है, क्या चीज़ किया है, कि शो ऑफ प्लीज़ करना नहीं है, बस ईश्वर को पता है और मुझे पता है, बस इतना मेरे लिए काफ़ी है। मैं अच्छी हूँ। हाय शुभी, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। कोरोना के बारे में कैसा लिखती हैं? मैंने बोला बिल्कुल वायरस के बारे में भी कि जो भी हो रहा है। सलीम जी, और प्लीज़ एक बात और भी है, एक चीज़ बहुत जो खास है, जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, विदेशों से जितने भी लोग इंडिया में आ रहे हैं, वो प्लीज़ इस चीज़ को छुपाया नहीं कि हम लोग बाहर से, कुछ लोग आ रहे हैं और अपने आप को छुपा रहे हैं, क्यों? आपके हैं तो उसकी वजह से आपके पूरे घर वालों में फैलेगा, पड़ोसी में फैलेगा, तो प्लीज़ इस चीज़ को छुपाइए मत, टेस्ट करवाइए कि आपका पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि इस चीज़ को आप प्लीज़ छुपाइए मत। जो भी लोग इस चीज़ को छुपा रहे हैं उनसे और ज़्यादा लोगों को फैल रहा है, एक से दो में, दो से आठ में, आठ से सोलह में, ये चैन ऐसे चल रहे, तो जितने भी लोग सऊदी से आए या कहीं भी अब्रॉड से इंडिया आए, प्लीज़ वो अपना टेस्ट करवाइए ताकि औरों में ये वायरस ना फैले और जल्दी से जल्दी ख़त्म हो पाए। हाय अभी जी, थैंक यू सो मच। अब मुझे ऐसा लग रहा है, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच कुमार, यशवंत जी, प्रकाश जी, आपके पोस्ट प्रकाश जी मुझे बहुत अच्छे लगे। नाइस वीडियो सुपर, थैंक यू। आयुष जी थैंक यू सो मच। कृष्णा जी, मैं एकदम घर में हूँ, डोंट वरी, मैं नहीं आ रही हूँ बाहर। जयपुर से हूँ मैं, मंगलिया से।
हाँ जी, मेरा ही सॉन्ग था, होली के ऊपर भी आए थे बहुत सारे सॉन्ग अभी। सबको ख्याल रखना चाहिए, यस बिल्कुल ट्रू। भैया जी थैंक यू, जितेंद्र कुमार दीदी हेलो, आपके अपने आने वाली पिक्चरें बहुत सारी है। सैया अरब गई लेना, और जाल तो जस्ट अभी रिलीज हुई है मेरी पिक्चर। हाँ काफ़ी सारी पिक्चरें आ रही है मेरी, दरार टू भी आ रही है, सैया अरब अरब गई लेना आ रही है, उसके बाद में बंधन प्यार की आ रही है, ओके। तो सब लोग अपना ख्याल रखिए, वंस अगेन थैंक यू सो सो मच। ये है मेरी बर्थडे की ड्रेस। ओके गुड नाइट, टेक केयर, बाय। गॉड हाय, जा ही नहीं पा रही हूँ मैं, ब्यूटीफुल थैंक यू थैंक यू। नीरज जी लव यू सो मच टू ऑल। नेपाल आएंगे जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब, बाय, वरना मैं जा ही नहीं पाऊंगी, बाय। हाय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच टू ऑल। आप सभी ने इतने प्यार से मुझे बर्थडे विश किया, और बहुत सारी पोस्ट आई हैं, एफबी पेज पे भी आई है, एफबी पे भी आई है, इंस्टा पे भी आई है, तो जितने भी मेरे फैंस हैं, फ्रेंड हैं, फैमिली वाले हैं, उन सभी को थैंक यू सो मच कि इतना प्यार और इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट उन्होंने की। कईयों ने तो बहुत प्यारी पोस्ट बना के की है, वीडियोज़ अपलोड किए हैं, तो सभी को थैंक यू सो मच। इवन जितने भी मीडिया वाले हैं और जितने भी आर्टिस्ट हैं हमारी इंडस्ट्री के, उन्होंने भी, और जितने भी मेरे प्यारे फैंस हैं, आप लोग सभी लोग, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे बर्थडे विश किया, तो उसके लिए थैंक यू। और मैं अभी जयपुर में हूँ, घर पे हूँ, और फैमिली के साथ मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, घर पे बर्थडे विश किया है मैंने। नवीन जी थैंक यू, सनी जी थैंक यू सो मच, ओह गॉड, मनोज कुमार जी थैंक यू सो मच, दीपक जी थैंक यू सो मच, राणा जी थैंक यू सो मच, बहुत सारे विशेज हैं, उदय जी हाय, रंजीत जी, तो इसीलिए मैं कि बहुत सारे SMS आए हैं, बहुत सारे मैसेज हैं एफवी पे भी, और मैसेज पे भी, इवन इंस्टा के मैसेज पे भी, तो सबको आंसर मैं कर नहीं पा रही थी क्योंकि बहुत सारे मैसेज थे, इसीलिए मैं लाइव इसीलिए आई हूँ कि ताकि आप सभी को मैं थैंक यू बोल पाऊँ कि आपने इतने प्यारे मैसेजेस किए हैं, और मैंने सबके SMS देखे भी हैं, फेसबुक के ऊपर भी मैंने पोस्ट, जितनी भी पोस्ट आए सब मैंने देखे, और मुझे बहुत बहुत अच्छे लगे सारे पोस्ट। आप लोग सभी बहुत अच्छे हो, और सभी है ना बहुत बहुत स्पेशल हो मेरे लिए एवरीवन, क्योंकि बिकॉज आप हैं तो हम लोग हैं, और आप लोगों का इतना प्यार है, और बड़े मेरे और भी स्पेशल हो गए जब आप लोग इतने मैसेजेस आए, और इतनी प्यारी प्यारी पोस्ट आई आप लोगों की। संजय तिवारी जी थैंक यू सो मच, रंजीत जी थैंक यू सो मच,
प्रकाश जी हाय। अच्छा प्रकाश सिंह जी, आपकी पोस्ट बहुत प्यारी थी, वीडियो भी बहुत प्यारा था, देखा मैंने। अक्षय जी थैंक यू। पंकज जी हाय। नवीन हाय। नवीन जी थैंक यू सो मच। नवीन जी कैसे हैं आप सभी? राकेश जी थैंक यू। तो देखिए एक चीज़ यही है कि अभी जो अभी जिस टाइम में हम लोग हैं, अभी कोरोना वायरस है और बहुत ज़्यादा डेंजर है क्योंकि अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आई है, तो बी सेफ। और अब प्लीज़ आप लोग सभी अपने घर पे रहिए, घर से बाहर मत निकलिए क्योंकि ये टाइम बहुत टफ है। और मोदी जी चाहते हैं, हमारे पीएम चाहते हैं कि अगर हम लोग घर में रहें और इससे कड़ी कोरोना वायरस की कड़ी टूट सकती है, तो प्लीज़ हम लोगों को उनकी बात माननी चाहिए और हम सभी को ये कड़ी तोड़नी चाहिए क्योंकि जितनी जल्दी ये वायरस ख़त्म होगा उतनी जल्दी लॉकडाउन ख़त्म होगा और हम अपने घरों के बाहर आ सकते हैं उसके बाद में। तो इसलिए प्लीज़ इस चीज़ को फॉलोअप कीजिए क्योंकि आपकी सभी की लाइफ मेरे लिए बहुत कीमती है, अनमोल है। तो बस मैं ये चाहूँगी यूपी, बिहार, पूरा देश, पूरा भारत इस चीज़ को फॉलोअप करें। लॉकडाउन अगर 21 डेज के लिए है, ये पता है कि बहुत टफ समय है ये सभी के लिए, मगर फिर भी ये चीज़ अगर हम लोग फॉलोअप करेंगे तो कोरोना वायरस को हम लोग भगा सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं और वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ में आप सभी लोग, हम लोग सब लोग आ सकते हैं क्योंकि इंसान की जान बहुत कीमती होती है। और एक चीज़ और भी हम बोलते हैं ना, जान है तो जहान है, तो प्लीज़ बी सेफ, घर पे रहिए, घर के बाहर मत आइए। श्याम जी थैंक यू। स्टे होम, बी सेफ, यस। और इसीलिए तो देखिए क्योंकि अभी हम लोग भी सब लोग ऑलमोस्ट घर पे हैं, कोई भी बाहर जाता नहीं है, आता नहीं है क्योंकि अगर इस चीज़ को, क्योंकि सब एक भारत की जितनी भी नागरिक है सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए और वो लोग अपने वो खुद सेल्फ ये चीज़ें करें कि हमको जाना ही नहीं है बाहर। जब तक आप लोग घर पे हैं आप लोग सेफ हैं और अगर आप लोग ही अगर इस चीज़ को आप लोग सब लोग सीरियसली फॉलोअप करेंगे तो 21 दिन में ख़त्म भी ये वायरस ख़त्म हो जाएगा और हम इस वायरस से जीत जाएंगे। तो प्लीज़ मेरी आपसे सभी से रिक्वेस्ट है और आप सभी से यही मेरा गिफ्ट है, प्लीज़ आप लोग आपके घरों से बाहर मत जाइए, सेफ वो खुद को भी सेफ रखिए, अपने आसपास वालों को भी समझाइए कोई भी घर के बाहर आता है, और सबका ध्यान खुद का ध्यान खुद ही को ही रखना है इस टाइम पे। तो प्लीज़ माने मोदी जी की बात, प्रधानमंत्री जी की बात आप लोग सभी लोग अच्छे से मानिए। लोकल पब्लिक को हम लोग इसलिए जाके बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि बिकॉज जो सबके साथ में वही हमारे साथ में भी हैं, हम लोग भी घरों में ही हैं, लॉकडाउन है, अगर हम लोग भी आएंगे बाहर तो हम लोग ही रूल को तोड़ेंगे। इसीलिए तो हम लोग FB पे आए हैं, लाइव आए हैं, मीडिया की मतलब फेसबुक के ज़रिए हम लोग सब लोग को समझाना चाह रहे हैं। और बस मेन यही चीज़ है कि समझिए इस गंभीरता को। प्लीज़ गिव योर मोबाइल नंबर, जब मैं लाइव आ रही हूँ तो फिर मोबाइल नंबर क्यों चाहिए। तो आज मैंने इंजॉय भी किया घर में बहुत और कुछ काम भी किया, मैं भी थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ घर का, जैसे कि मुझे पास्ता आता है बनाना, तो मैंने आज पास्ता बनाया खुद ने। या एक सॉन्ग, माय गॉड मैं सिंगर नहीं हूँ भाई, फिर भी हाँ गाया जाएगा। यस यस वेट, मैं बहुत अच्छी हूँ प्रकाश जी। गुड्डू जी हाय। मेघराज जी हाँ एकदम घर पे ही हूँ मैं, बिल्कुल कहीं पे भी आ रही आ जा रही नहीं होगी क्योंकि लॉकडाउन है, तो मैं उसको बहुत अच्छे से फॉलोअप कर रही हूँ। मैं और सब लोग हम लोग घर पे ही हैं, डोंट वरी आई एम सेफ, और बस आप लोग भी सेफ रहिए, बी सेफ। आप सभी का इतना प्यार है तो कैसे कुछ हो सकता है, इसलिए मैं चाहती हूँ आप भी सभी लोग सेफ रहें। डीजे अमित जी
सेफ एट होम, सब लोग मुझे ठीक है लिख रहे हैं, मैं घर पे ही हूँ। देखो बर्थडे भी मैंने अपने घर पे मनाया, ना ही कहीं आ रही हूँ ना ही कहीं जा रही हूँ। होली पे मैं आई थी जयपुर, आई हूँ और होली से मैं कंटिन्यू घर में ही हूँ। तब से ही मैं तो तब से फॉलोअप कर रही हूँ। अच्छी हूँ मनीष जी, हाय प्रमोद जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच सिमरन जी, प्रिंस जी, वाओ। राहुल आओ, देखिए ये मेरा भाई राहुल। हेलो, कैसे हो सब गाइस, एंड थैंक्स आप सबको, आपने इतने अच्छे अच्छे विश किए दी को। हम बहुत सारे अच्छे थे ना, और सारे विश। हाँ, बहुत अच्छे अच्छे विश किए आप लोगों ने। और हाँ गाइस, प्लीज सब घर पे रहो जब तक हमारी तरह, हम भी घर पे हैं, कहीं नहीं जा रहे। आप लोग भी रहो क्योंकि इसमें आपकी सेफ्टी है। कोरोना वायरस से बचो, अपने हैंड वॉश करो और सेफ रहो। मैं हैंड वॉश कम से कम दिन में 10 बार करती हूँ। तो गाइस आप भी हैंड वॉश करो, बचो, बाहर का कुछ मत खाना, घर का ही। जब जाएंगे नहीं बाहर का तो खाएंगे कैसे, इसलिए बाहर जाएंगे नहीं तो खाएंगे भी नहीं, इसलिए बाहर जाओ ही मत। जाओ मत, बिल्कुल मत जाओ गाइस। अभी कुछ टाइम का बात और है, जब तक घर पे रहो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, जैसे कि मैं कर रही हूँ। हाँ, दी बहुत कम आती है जयपुर, अभी यहाँ पे है दी, इतने टाइम हो गया और जा भी नहीं सकते, और जा भी नहीं सकते, तो बहुत अच्छी बात है मतलब ऐसे कि दी घर पे है इसलिए। बट मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, और इतने टाइम के बाद बर्थडे मेरा लगभग 5 साल बाद घर वालों के साथ में मन रहा है। वरना पिछली बार दुबई में थी दीदी के यहाँ पे, इस बार उससे पिछली बार शूटिंग में थी, उससे पिछली बार शो में थी, उससे पिछली बार शूटिंग में थी, और उससे पिछली से पिछली बार जयपुर में थी, और इस बार वापस जयपुर में हूँ दी। तो गाइस आप करो बात, ओके दी, ओके और सुपर दी। अच्छा, मेरा बर्थडे का केक रूपा दीदी ने बनाया था, और बहुत ही प्यारा था, और चॉकलेट केक था, यम्मी यम्मी यम्मी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने शुभी को ढेर सारी विशेस दी। बस आप लोग सेफ रहिए, प्लीज घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि हम भी शुभी का बर्थडे मना सकते थे बाहर, अगर सब सही होता तो। बट कोई नहीं, आपने इतना अच्छा केक बनाया है ना, क्या था ऐसा ना हो कि। हेलो भाई एके जी, मेरे हाथ का बहुत अच्छा खाना है और बनता भी है, और मुझे बहुत अच्छे से आता है क्योंकि मुझे खाना बनाने का शौक है, इसलिए आप इस चीज़ की टेंशन मत करिए। हा 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 देखिए, इंसान किसी भी फील्ड में हो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसे कुछ आए नहीं। अगर एक्ट्रेस है तो उसको खाना पता नहीं आता होगा नहीं आता होगा, काम आता है नहीं आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे सारा काम आता है, खाना भी आता है, डस्टिंग करना भी आता है, एवरीथिंग आता है। और इस टाइम पे कुछ लोग जो हमारे अकेली हैं, जो अकेले हैं, जैसे कि कैटरीना कैफ को भी आपने देखा होगा, वो भी बताइए, घर का सारा काम हीरोइंस भी कर सकती हैं, और इस टाइम पे उसका प्रूफ भी आप लोगों के पास में आ रहा होगा। तो ऐसे हम लोगों को सब काम आता है, हम लोगों को तो नहीं, बट मुझे आता है। हाय प्रकाश जी, हाय। सबके दिन, ये दिन जो कठिनाई की है, ये सबके दिन खुशी से बीते और खुशी से ये सब कुछ चला जाए बस। या एक्चुअली में बहुत लंबा टाइम होता है 21 डेज, इसलिए आप लोग घर पे आराम से रहिए, गेम खेलिए, टी पीजिए, टी कम पीजिएगा, ग्रीन टी ज़्यादा पीजिएगा। और अच्छा, एक चीज़ और भी है, विशेष ध्यान वाली बात है, हाय ओके अच्छा जी, अच्छा क्या बोल रही थी मैं, शिट, पढ़ते पढ़ते मैं खुद ही भूल गई मैं क्या बोलने वाली थी। थैंक यू सो मच कृष्णा राय जी, घर का कार्य करना
कोई गुनाह नहीं होता, वही तो घर का काम करना चाहिए और बहुत अच्छी बात है अगर आपको खुद को आता है तो, ऑफकोर्स ही है बात करना चाहिए। बट हाँ एक चीज़ और है, मेरे दीदी हैं दो, तो वो आधे से ज़्यादा काम तो वही लोग ठीक है करती हैं, और अगर मैं बॉम्बे में जब मैं होती हूँ तब मैं बहुत काम करती हूँ, बट जयपुर जब मैं आती हूँ तब मेरी दीदियाँ मुझे कुछ काम करने नहीं देती हैं। तो हाँ जयपुर आके बहुत कम काम करती हूँ मैं, और बॉम्बे में मैं काफ़ी काम करती हूँ। गुड गर्ल, थैंक यू सो मच राजेश जी। हाँ अच्छा अभी हाँ जो काम की बात जो थी वो मुझे याद आ गई है, वो ये है कि अभी सब बॉयज़ लोग मैन लोग घर पे हैं तो वो बोर थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बोर हो रहे होंगे, तो उनके लिए भी ये एडवाइस है कि अपनी पत्नियों का या अपनी सिस्टर का या अपनी मॉम का हेल्प करें कुकिंग में, डस्टिंग में, जो भी चीज़ उनको आती हो इजीली आती हो उसके अंदर, ताकि थोड़ा सा काम हाफ ऑफ बढ़ जाए और आप लोगों का टाइम इजीली पास हो जाए। वजूल कुम ओके वजूल जी हाय, कृष्णा जी मैं जयपुर से हूँ, जयपुर से बिलोंग करती हूँ, राजस्थान जयपुर, यस अमित जी थैंक यू सो मच। आप खाना बना लेती हैं क्या? हाँ जी मैं कितनी बार बोलूँ मुझे खाना बनाना आता है, और ये मेरा लाइफ चल रहा है, मेरा शादी का इंटरव्यू नहीं चल रहा है ये तो इसलिए मुझे खाना बनाना आता है। रंजीत कुमार जी थैंक यू सो मच। सुजीत जी थैंक यू, विवेक जी थैंक यू। तो फिर से मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इतना प्यार से विश किया और इतनी सारी पोस्ट, वाओ बहुत प्यारी प्यारी पोस्ट आई हैं, उन सभी के लिए थैंक यू। और एक साथ इस लाइव में आ जाई हूँ तो मैं इसके लिए भी आई हूँ कि आपकी इतनी सारी पोस्ट देख के मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, और सबका आंसर मैं हो सकता है कुछ मिस भी मुझसे हो गए हैं, तो उन सभी को इस लाइव के ज़रिए थैंक यू सो मच फॉर लवली पोस्ट फॉर मी। मॉम कहाँ है? मॉम हॉल में है। मोहित जी थैंक यू। बंगाली मूवीज आऊंगी बट कुछ टाइम बाद। बिल्कुल प्रिंस जी बिल्कुल, सुनती भी हूँ मैं फैंस को, क्यों नहीं, तभी तो मैं आ जाई हूँ लाइव। सिक्किम से माया शर्मा हाय, मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। रंजीत कुमार जी थैंक यू। आप लोग सब कितने अच्छे हैं, आप लोग सब बहुत प्यारे हैं, यू ऑल आर माय फेवरेट। पांच मिनट में घर के काम खत्म, नहीं पांच मिनट में मत कीजिए, आराम से कीजिए, मैं अच्छी हूँ। सुनील पंडित जी थैंक यू, आप जयपुर हमसे मुलाकात कर सकते हैं शुभ जी? अभी तो नहीं, क्योंकि अभी हो रहा है, अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है तो अभी मैं बिल्कुल मिल भी नहीं सकती हूँ किसी से, और ना ही मैं ये चाहूँगी कि आप भी कहीं आए जाएं, कहीं आओ जाओ मत, घर पे रहिए, बी सेफ जब तक सब कुछ ठीक नहीं होता है। मदद क्यों नहीं करते आप लोग मदद, देखिए एक तो होती है मदद की बता के की जाए, एक होता है कि हम लोगों से जो भी कुछ हो पाता है हम लोग अपने आप अकाउंट से ट्रांसफ़र करते हैं गवर्नमेंट के अकाउंट में, क्योंकि अभी हालात ये है कि हम लोग को खुद को बाहर निकलने देरी नहीं है पुलिस, अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं बाहर फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ करने की, और इस बार भी
मैंने भी हेल्प किया है, मेरी ओर से बहुत हेल्प किया है, बट मैं इसको शो ऑफ करना बिल्कुल चाहती नहीं हूँ कि मैंने कितनी हेल्प की है, क्या चीज़ किया है, कि शो ऑफ प्लीज़ करना नहीं है, बस ईश्वर को पता है और मुझे पता है, बस इतना मेरे लिए काफ़ी है। मैं अच्छी हूँ। हाय शुभी, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। कोरोना के बारे में कैसा लिखती हैं? मैंने बोला बिल्कुल वायरस के बारे में भी कि जो भी हो रहा है सलीम जी। और प्लीज़ एक बात और भी है, एक चीज़ बहुत जो ख़ास है, जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, विदेशों से जितने भी लोग इंडिया में आ रहे हैं, वो प्लीज़ इस चीज़ को छुपाया नहीं कि हम लोग बाहर से, कुछ लोग आ रहे हैं अपने आप को छुपा रहे हैं, क्यों? आपके हैं तो उसकी वजह से आपके पूरे घर वालों में फैलेगा, अड़ोसियों में, पड़ोसी में फैलेगा, तो प्लीज़ इस चीज़ को छुपाइए मत। टेस्ट करवाइए कि आपका पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि इस चीज़ को आप प्लीज़ छुपाइए मत। जो भी लोग इस चीज़ को छुपा रहे हैं उनसे और ज़्यादा लोगों को फैल रहा है, एक से दो में, दो से आठ में, आठ से सोलह में, ये चैन ऐसे चल रहे हैं। तो जितने भी लोग सऊदी से आए या कहीं भी अब्रॉड से इंडिया आए, प्लीज़ वो अपना टेस्ट करवाइए ताकि औरों में ये वायरस ना फैले और जल्दी से जल्दी ख़त्म हो पाए। हाय अभिजी, थैंक यू सो मच। अब मुझे ऐसा लग रहा है, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच कुमार, यशवंत जी, प्रकाश जी, आपके पोस्ट प्रकाश जी मुझे बहुत अच्छे लगे। नाइस वीडियो सुपर, थैंक यू। आयुष जी, थैंक यू सो मच। कृष्णा जी, मैं एकदम घर में हूँ, डोंट वरी, मैं नहीं आ रही हूँ बाहर। जयपुर से हूँ मैं, मंगलिया से। हाँ जी, मेरा ही सॉन्ग था, होली के ऊपर भी आए थे बहुत सारे सॉन्ग अभी। सबको ख्याल रखना चाहिए। यस, बिल्कुल ट्रू। भैया जी थैंक यू, जितेंद्र कुमार दीदी हेलो, आपके अपने आने वाली पिक्चरें बहुत सारी है। सैया अरब गई लेना, जाल तो जस्ट अभी रिलीज हुई है मेरी पिक्चर। हाँ, काफ़ी सारी पिक्चरें आ रही है मेरी, दरार टू भी आ रही है, सैया अरब गई लेना आ रही है, उसके बाद में बंधन प्यार की आ रही है। तो सब लोग अपना ख्याल रखिए। वंस अगेन थैंक यू सो सो मच। ये है मेरी बर्थडे की ड्रेस। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय। गॉड हाय, जा ही नहीं पा रही मैं, ब्यूटीफुल सीट। थैंक यू, थैंक यू नीरज जी। लव यू सो मच टू ऑल। नेपाल आएंगे जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब, बाय, वरना मैं जा ही नहीं पाऊंगी। बाय। हाय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच टू ऑल।
आप सभी ने इतने प्यार से मुझे बर्थडे विश किया और बहुत सारी पोस्ट आई हैं, एफबी पेज पे भी आई है, एफबी पे भी आई है, इंस्टा पे भी आई है, तो जितने भी मेरे फैंस हैं, फ्रेंड हैं, फैमिली वाले हैं, उन सभी को थैंक यू सो मच कि इतना प्यार और इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट उन्होंने की। कईयों ने तो बहुत प्यारी पोस्ट बना के की है, वीडियोस अपलोड किए हैं, तो सभी को थैंक यू सो मच। इवन जितने भी मीडिया वाले हैं और जितने भी आर्टिस्ट हैं हमारी इंडस्ट्री के, उन्होंने भी, और जितने भी मेरे प्यारे फैंस हैं, आप लोग सभी लोग, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे बर्थडे विश किया, तो उसके लिए थैंक यू। और मैं अभी जयपुर में हूँ, घर पे हूँ, और फैमिली के साथ मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, घर पे बर्थडे विश किया है मैंने। नवीन जी थैंक यू, सनी जी थैंक यू सो मच, ओह गॉड, मनोज कुमार जी थैंक यू सो मच, दीपक जी थैंक यू सो मच, राणा जी थैंक यू सो मच, बहुत सारे विशेज हैं, उदय जी हाई, रंजीत जी, तो इसीलिए मैं कि बहुत सारे SMS आए हैं, बहुत सारे मैसेज हैं एफ वी पे भी, और मैसेज पे भी, इवन इंस्टा के मैसेज पे भी, तो सबको आंसर मैं कर नहीं पा रही थी क्योंकि बहुत सारे मैसेज थे, इसीलिए मैं लाइव इसीलिए आई हूँ कि ताकि आप सभी को मैं थैंक यू बोल पाऊँ कि आपने इतने प्यारे मैसेजेस किए हैं, और मैंने सबके SMS देखे भी हैं, फेसबुक के ऊपर भी मैंने पोस्ट, जितने भी पोस्ट हैं सब मैंने देखे और मुझे बहुत बहुत अच्छे लगे सारे पोस्ट। आप लोग सभी बहुत अच्छे हो और सभी है ना बहुत बहुत स्पेशल हो मेरे लिए एवरीवन, क्योंकि बिकॉज आप हैं तो हम लोग हैं, और आप लोग का इतना प्यार है, और बड़े मेरे और भी स्पेशल हो गए जब आप लोग इतने मैसेजेस आए और इतनी प्यारी प्यारी पोस्ट आई आप लोगों की। संजय तिवारी जी थैंक यू सो मच, रंजीत जी थैंक यू सो मच, प्रकाश जी हाई, अच्छा प्रकाश सिंह जी आपकी पोस्ट बहुत प्यारी थी, वीडियो भी बहुत प्यारा था, देखा मैंने। अक्षय जी थैंक यू, पंकज जी हाई, नवीन हाई, नवीन जी थैंक यू सो मच, नवीन जी कैसे हैं आप सभी, राकेश जी थैंक यू। तो देखिए एक चीज़ यही है कि अभी जिस टाइम में हम लोग हैं, अभी कोरोना वायरस है और बहुत ज़्यादा डेंजर है क्योंकि अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आई है, तो बी सेफ, और अब प्लीज़ आप लोग सभी अपने घर पे रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि ये टाइम बहुत टफ है, और मोदी जी चाहते हैं, हमारे PM चाहते हैं कि अगर हम लोग घर में रहें और इससे कड़ी कोरोना वायरस की कड़ी टूट सकती है, तो प्लीज़ हम लोगों को उनकी बात माननी चाहिए और हम सभी को ये कड़ी तोड़नी चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी ये वायरस ख़त्म होगा उतनी जल्दी लॉकडाउन ख़त्म होगा और हम अपने अपने घरों के बाहर आ सकते हैं उसके बाद में, तो इसलिए प्लीज़ इस चीज़ को फॉलोअप कीजिए, क्योंकि आपकी सभी की लाइफ मेरे लिए बहुत कीमती है, अनमोल है। तो बस मैं ये चाहूँगी UP, बिहार, पूरा देश, पूरा भारत इस चीज़ को फॉलोअप करें। लॉकडाउन अगर 21 डेज के लिए है, ये पता है कि बहुत टफ समय है ये सभी के लिए, मगर फिर भी ये चीज़ अगर हम लोग फॉलोअप करेंगे तो कोरोना वायरस को हम लोग भगा सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं, और वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ में आप सभी लोग, हम लोग सब लोग आ सकते हैं, क्योंकि इंसान की जान बहुत कीमती होती है। और एक चीज़ और भी हम बोलते हैं ना, जान है तो जहान है, तो प्लीज़ बी सेफ, घर पे रहिए, घर के बाहर मत आइए। श्याम जी थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ, यस। और इसीलिए तो देखिए, क्योंकि अभी हम लोग भी सब लोग ऑलमोस्ट घर पे हैं, कोई भी बाहर जाता नहीं है, आता नहीं है, क्योंकि अगर इस चीज़ को, क्योंकि सब एक भारत के जितने भी नागरिक है सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, और वो लोग अपने वो खुद सेल्फ ये चीज़ें करें कि हमको जाना ही नहीं है बाहर। जब तक आप लोग घर पे हैं, आप लोग सेफ हैं,
और अगर आप लोग ही अगर इस चीज को आप लोग सब लोग सीरियसली फॉलोअप करेंगे तो 21 दिन में खत्म भी ये वायरस खत्म हो जाएगा और हम इस वायरस से जीत जाएंगे। तो प्लीज मेरी आपसे सभी से रिक्वेस्ट है और आप सभी से यही मेरा गिफ्ट है, प्लीज आप लोग आपके आपके घरों से बाहर मत जाइए, सेफ वो खुद को भी सेफ रखिए, अपने आसपास वालों को भी समझाइए कोई भी घर के बाहर आता है, और सबका ध्यान खुद का ध्यान खुद ही को ही रखना है इस टाइम पे। तो प्लीज़ माने मोदी जी की बात, प्रधानमंत्री जी की बात, आप लोग सभी लोग अच्छे से मानिए। लोकल लोकल पब्लिक को हम लोग इसलिए जाके बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि बिकॉज जो सबके साथ में वही हमारे साथ में भी हैं, हम लोग भी घरों में हैं, लॉकडाउन है, हम लोग भी आएंगे बाहर तो हम लोग ही रूल को तोड़ेंगे, इसीलिए तो हम लोग एफ बी पे आए हैं, लाइव आए हैं, मीडिया की मतलब फेसबुक के जरिए हम लोग सब लोग को समझाना चाह रहे हैं। और बस मेन यही चीज़ है कि समझिए इस गंभीरता को, प्लीज़ गिव योर मोबाइल नंबर, जब मैं लाइव आ रही हूँ तो फिर मोबाइल नंबर क्यों चाहिए। तो आज मैंने इंजॉय भी किया घर में बहुत, और कुछ काम भी किया मैंने भी, मैं भी थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ घर का, जैसे कि मुझे पास्ता आता है बनाना, तो मैंने आज पास्ता बनाया खुद ने। एक सॉन्ग माय गॉड मैं सिंगर नहीं हूँ भाई, फिर भी हम गाया जाएगा, यस यस वेट, मैं बहुत अच्छी हूँ। प्रकाश जी, गुड्डू जी, हाय, मेघराज जी, हाँ एकदम घर पे ही हूँ मैं, बिल्कुल कहीं पे भी आ रही आ जा रही नहीं होगी क्योंकि लॉकडाउन है, तो मैं उसको बहुत अच्छे से फॉलोअप कर रही हूँ, मैं और सब लोग हम लोग घर पे ही हैं, डोंट वरी आई एम सेफ, और बस आप लोग भी सेफ रहिए, बी सेफ। आप सभी का इतना प्यार है तो कैसे कुछ हो सकता है, इसलिए मैं चाहती हूँ आप भी सभी लोग सेफ रहें। डीजे अमित जी सेफ एट होम, सब लोग मुझे ठीक है लिख रहे हैं, मैं घर पे ही हूँ, देखो बर्थडे भी मैंने अपने घर पे मनाया, ना ही कहीं आ रही हूँ ना ही कहीं जा रही हूँ, होली पे मैं आई थी जयपुर आई हूँ और होली से मैं कंटिन्यू घर में ही हूँ, तब से ही मैं तो तब से फॉलोअप कर रही हूँ। अच्छी हूँ। मनीष जी हाय, प्रमोद जी थैंक यू, थैंक यू सो मच, सिमरन जी, प्रिंस जी, वाओ, राहुल आओ, देखिए ये मेरा भाई राहुल। हेलो, कैसे हो सब गाइस, एंड थैंक्स आप सबको, आपने इतने अच्छे अच्छे विश किए दी को, हम बहुत अच्छे थे ना, और सारे विश, हाँ बहुत अच्छे अच्छे विश किए आप लोगों ने। और हाँ गाइस प्लीज सब घर पे रहो जब तक हमारे तो हम भी घर पे है कहीं नहीं जा रहे, आप लोग भी रहो क्योंकि इसमें आपकी सेफ्टी है, कोरोना वायरस से बचो, अपने हैंड वॉश करो और सेफ रहो। मैं हैंड वॉश कम से कम दिन में 10 बार करती हूँ। तो गाइस आप भी हैंड वॉश करो, बचो, बाहर का कुछ मत खाना, घर का जब जाएंगे नहीं बाहर का तो खाएंगे कैसे, इसलिए बाहर जाएंगे नहीं तो खाएंगे भी नहीं, इसलिए बाहर जाओ ही मत, बाहर जाओ मत, बिल्कुल मत जाओ गाइस, अभी कुछ टाइम का बात और है, जब तक घर पे रहो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, जैसे कि मैं कर रही हूँ। हाँ दी बहुत कम आती है जयपुर, अभी यहाँ पे है दी, इतने टाइम हो गया और जा भी नहीं सकते, और जा भी नहीं सकते, तो बहुत अच्छी बात है मतलब वैसे कि दी घर पे है इसलिए, बट मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, और इतने टाइम के बाद बर्थडे मेरा लगभग 5 साल बाद घर वालों के साथ में मन रहा है, मतलब पिछली बार दुबई में थी दीदी के यहाँ पे, इस बार उससे पिछली बार शूटिंग में थी, उससे पिछली बार शो में थी, उससे पिछली बार शूटिंग में थी, और उससे पिछली से पिछली बार जयपुर में थी, और इस बार वापस जयपुर में हूँ दी। तो गाइस आप करो बात, ओके दी, ओके और सुपर दी। अच्छा मेरा बर्थडे का केक रूपा दीदी ने बनाया था और बहुत ही प्यारा था, और चॉकलेट केक था, यम्मी यम्मी यम्मी, थैंक यू, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने शुभी को ढेर सारी विशेस दी।
बस आप लोग सेफ रहिए, प्लीज घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि हम भी शुभी का बर्थडे मना सकते थे बाहर, अगर अगर सब सही होता तो, बट कोई नहीं, आपने इतना अच्छा केक बनाया है ना, क्या था ऐसा ना हो कि हेलो भाई एके जी, मेरे हाथ का बहुत अच्छा खाना है और बनता भी है और मुझे बहुत अच्छे से आता है क्योंकि मुझे खाना बनाने का शौक है, इसलिए आप इस चीज़ की टेंशन मत करिए। हा 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 देखिए इंसान किसी भी फील्ड में हो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसे कुछ आए नहीं, अगर एक्ट्रेस है तो उसको खाना पता नहीं आता होगा नहीं आता होगा, काम आता है नहीं आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे सारा काम आता है, खाना भी आता है, डस्टिंग करना भी आता है, एवरीथिंग आता है। इस टाइम पे कुछ लोग जो हमारे अकेली हैं, जो अकेले हैं, जैसे कि कैटरीना कैफ को भी आपने देखा होगा, वो भी बताइए घर का सारा काम हीरोइंस भी कर सकती हैं, और इस टाइम पे इसका प्रूफ भी आप लोगों के पास में आ रहा होगा। तो ऐसे ही हम लोगों को सब काम आता है, हम लोगों को तो नहीं बट मुझे आता है। हाय प्रकाश जी, हाय, सबके दिन ये दिन जो कठिनाई के है ये सबके दिन खुशी से बीते और खुशी से ये सब कुछ चला जाए बस। या एक्चुअली में बहुत लंबा टाइम होता है 21 डेज, इसलिए आप लोग घर पे आराम से रहिए, गेम खेलिए, टी पीजिए, टी कम पीजिएगा, ग्रीन टी ज़्यादा पीजिएगा। और अच्छा एक चीज़ और भी है, विशेष ध्यान वाली बात है, हाय ओके अच्छा जी, अच्छा क्या बोल रही थी मैं, शिट पढ़ते पढ़ते मैं खुद ही भूल गई मैं क्या बोलने वाली थी। थैंक यू सो मच कृष्णा राय जी, घर का कार्य करना कोई गुनाह नहीं होता, वही तो घर का काम करना चाहिए और बहुत अच्छी बात है, अगर आपको खुद को आता है तो ऑफकोर्स ही है बात करना चाहिए। बट हाँ एक चीज़ और है, मेरी दीदी हैं दो, तो वो आधे से ज़्यादा काम तो वही लोग ठीक है करती हैं, और अगर मैं बॉम्बे में जब मैं होती हूँ तब मैं बहुत काम करती हूँ, बट जयपुर जब मैं आती हूँ तब मेरी दीदियाँ मुझे कुछ काम करने नहीं देती हैं, तो हाँ जयपुर आके बहुत कम काम करती हूँ मैं, और बॉम्बे में मैं काफ़ी काम करती हूँ। गुड गर्ल, थैंक यू सो मच अजय जी। हाँ अच्छा अभी हाँ जो काम की बात जो थी वो मुझे याद आ गई है, वो ये है कि अभी सब बॉयज़ लोग मैन लोग घर पे हैं तो वो बोर बहुत ज़्यादा बोर हो रहे होंगे, तो उनके लिए भी ये एडवाइस है कि अपनी पत्नियों का या अपनी सिस्टर का या अपनी मॉम का हेल्प करें कुकिंग में, डस्टिंग में, जो भी चीज़ उनको आती हो इजीली आती हो उसके अंदर, ताकि थोड़ा सा काम हाफ ऑफ बढ़ जाए और आप लोगों का टाइम इजीली पास हो जाए। वजूल कुम ओके वजूल जी, हाय कृष्णा जी, मैं जयपुर से हूँ, जयपुर से बिलोंग करती हूँ, राजस्थान जयपुर, यस अमित जी थैंक यू सो मच। आप खाना बना लेती हैं क्या? हाँ जी मैं कितनी बार बोलूँ मुझे खाना बनाना आता है, और ये मेरा लाइफ चल रहा है, मेरा शादी का इंटरव्यू नहीं चल रहा है ये तो इसलिए मुझे खाना बनाना आता है। रंजीत कुमार जी थैंक यू सो मच, सुजीत जी थैंक यू, विवेक जी थैंक यू। तो फिर से मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इतना प्यार से विश किया और इतनी सारी पोस्ट, वाओ बहुत प्यारे पोस्ट आई हैं, उन सभी के लिए थैंक यू, और एक साथ इस लाइव में आ जाई हूँ तो मैं इसके लिए भी आई हूँ कि आपकी इतनी सारी पोस्ट देख के मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, और सबका आंसर मैं हो सकता है कुछ मिस भी मुझसे हो गए हैं, तो उन सभी को इस लाइव के ज़रिए थैंक यू सो मच फॉर लवली पोस्ट फॉर मी।
मॉम कहाँ है? मॉम 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 हॉल में है। मोहित जी थैंक यू। बंगाली मूवीज आऊंगी आऊंगी पर कुछ टाइम बाद। बिल्कुल बिल्कुल प्रिंस जी बिल्कुल सुनती भी हूँ मैं फैंस को, क्यों नहीं, तभी तो मैं आ जाई हूँ लाइव। सिक्किम से माया शर्मा हाय, मैं अच्छी हूँ बहुत अच्छी हूँ। रंजीत कुमार जी थैंक यू। आप लोग सब कितने अच्छे हैं, आप लोग सब बहुत प्यारे हैं। यू ऑल आर माय फेवरेट। पांच मिनट में करके काम खत्म। नहीं नहीं पांच मिनट में मत कीजिए, आराम आराम से कीजिए। मैं अच्छी हूँ। सुनील पंडित जी थैंक यू। आप जयपुर हमसे मुलाकात कर सकते हैं शिवी जी? अभी तो नहीं, क्योंकि अभी हो रहा है, अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो अभी मैं बिल्कुल मिल भी नहीं सकती हूँ किसी से। और ना ही मैं ये चाहूँगी कि आप भी कहीं आए जाएं, कहीं आओ जाओ मत, घर पे रहिए, बी सेफ जब तक सब कुछ ठीक नहीं होता है। मदद क्यों नहीं करते आप लोग? आप लोग मदद, देखिए एक तो होती है मदद की बता के की जाए, एक होता है कि हम लोगों से जो भी कुछ हो पाता है हम लोग अपने आप अकाउंट से ट्रांसफ़र करते हैं गवर्नमेंट के अकाउंट में, क्योंकि अभी हालात ये है कि हम लोग को खुद को बाहर निकलने देरी नहीं है पुलिस, अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं बाहर फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ करने की। और इस बार भी मैंने भी हेल्प किया है, मेरी ओर से बहुत हेल्प किया है, बट मैं इसको शो ऑफ करना बिल्कुल चाहती नहीं हूँ कि मैंने कितनी हेल्प की है, क्या चीज़ किया है, कि शो ऑफ प्लीज़ करना नहीं है, बस ईश्वर को पता है और मुझे पता है, बस इतना मेरे लिए काफ़ी है। मैं अच्छी हूँ। हाय शुभी आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। कोरोना के बारे में कैसा लिखती हैं? मैंने बोला बिल्कुल वायरस के बारे में भी कि जो भी हो रहा है सलीम जी। और प्लीज़ एक बात और भी है, एक चीज़ बहुत जो खास है, जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं विदेशों से, जितने भी लोग इंडिया में आ रहे हैं वो प्लीज़ इस चीज़ को छुपाया नहीं कि हम लोग बाहर से, कुछ लोग आ रहे हैं और अपने को छुपा रहे हैं, क्यों? आपके हैं तो उसकी वजह से आपके पूरे घर वालों में फैलेगा, पड़ोसी में फैलेगा, तो प्लीज़ इस चीज़ को छुपाइए मत, टेस्ट करवाइए कि आपका पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि इस चीज़ को आप प्लीज़ छुपाइए मत। जो भी लोग इस चीज़ को छुपा रहे हैं उनसे और ज़्यादा लोगों को फैल रहा है, एक से दो में, दो से आठ में, आठ से सोलह में, ये चैन ऐसे चल रहे हैं। तो जितने भी लोग सऊदी से आए या कहीं भी अब्रॉड से इंडिया आए, प्लीज़ वो अपना टेस्ट करवाइए ताकि औरों में ये वायरस ना फैले और जल्दी से जल्दी ख़त्म हो पाए। हाय अभिजी थैंक यू सो मच। अब मुझे ऐसा लग रहा है, आपकी स्माइल बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच कुमार, यशवंत जी, प्रकाश जी, आपके पोस्ट प्रकाश जी मुझे बहुत अच्छे लगे। नाइस वीडियो सुपर, थैंक यू। आयुष जी थैंक यू सो मच। कृष्णा जी मैं एकदम घर में हूँ, डोंट वरी मैं नहीं आ रही हूँ बाहर। जयपुर से हूँ मैं, मंगलिया से। हाँ जी मेरा ही सॉन्ग था, होली के ऊपर भी आए थे बहुत सारे सॉन्ग अभी। सबको ख्याल रखना चाहिए, यस बिल्कुल ट्रू। भैया जी थैंक यू।
जितेंद्र कुमार दीदी हेलो आपके अपने आने वाली पिक्चरें बहुत सारी है। सैया अरब गई लेना और जाल तो जस्ट अभी रिलीज हुई है मेरी पिक्चर। हाँ काफ़ी सारी पिक्चरें आ रही है मेरी, दरार टू भी आ रही है, सैया अरब गई लेना आ रही है, उसके बाद में बंधन प्यार की आ रही है, ओके। तो सब लोग अपना ख्याल रखिए। वंस अगेन थैंक यू सो सो मच। ये है मेरी बर्थडे की ड्रेस। ओके गुड नाइट, टेक केयर, बाय। गॉड हाय जा ही नहीं पा रही हूँ। ब्यूटीफुल थैंक यू थैंक यू नीरज जी। लव यू सो मच टू ऑल। नेपाल आएंगे जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब, बाय, वरना मैं जा ही नहीं पाऊंगी। बाय।